सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम सत श्री अकाल। मेरे किसान भाइयों, 3 फरवरी को आपने इसी क्रांतिकारी माटी पर, इसी इलाके की माटी पर आप लोगों ने एक महापंचायत करके सरकार को यह दिखा दिया था कि जो किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि वह किसान आंदोलन हरियाणा के कोने कोने में पहुंचा हुआ है। और 3 तारीख की उस पंचायत के बाद हरियाणा सरकार ने सेंटर से हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मांगी थी और हरियाणा में बुला ली थी। पिछले 1 महीने से हरियाणा में जो सरकार द्वारा दमन करने का प्रयास किया जा रहा है, उस दमन करने के प्रयास के बावजूद, अनेक समस्याओं के बावजूद, आज आपने सबने यहां पर पहुंच कर यह दिखा दिया कि भाई शुभकर्ण सिंह अकेले पंजाब के नहीं, अकेले बठिंडा के नहीं, बल्कि पूरे भारत के और पूरे हरियाणा के किसानों के शहीद है। मेरे भाइयों, वो 2 बहनों का इकलौता भाई, वो 22 साल का नौजवान, उसने अपने किसी निजी स्वार्थ में अपनी कुर्बानी नहीं दी। पिछले आंदोलन में जिन 750 भाइयों ने कुर्बानी दी, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ में कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी कि पूरे देश के किसानों के लिए MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। उन्होंने कुर्बानी दी कि पूरे देश के किसान और मजदूरों का कर्ज माफ होए। उन्होंने कुर्बानी दी ताकि पूरे देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसलों का भाव मिले। मेरे भाइयों, उन्होंने जब कुर्बानी पूरे देश के लिए दी है, तो पूरे देश की किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शहादत को भूलना नहीं है। और यदि शुभकर्ण सिंह को और उन 750 किसानों को अगर सही महीनों में सच्ची शताब्दी देना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि जिन 12 मांगों को लेकर यह आंदोलन चला रखा है, ये 12 की 12 मांग पूरी करानी है। चाहे 1 साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ, 5 साल लग जाओ, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रखना है और आंदोलन जारी रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लगभग 1 महीने बाद बॉर्डर छोड़कर अपने लोगों के बीच आए हैं, अपनी मर्जी के बीच आए हैं। मैं आपने बता नहीं सकता वो 1 महीना, उस महीने का एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड अपने लोगों से दूर रहना हमारे लिए तो घुटने के बराबर था। लेकिन हमने हमेशा एक चीज सीखी 12-13 सालों में, व्यक्ति तो बड़ा संगठन है, संगठन तो बड़ा हमारा मोर्चा है और हमारे मोर्चे तो बड़ा हमारा आंदोलन है। अगर ऐसा कोई भी काम जिससे हमारे आंदोलन में नुकसान होता हो, बेशक हमने निजी तौर पर फायदा होता हो, उस काम में हम नहीं करेंगे। हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारे आंदोलन में फायदा होता हो, उस काम से बेशक हमें या हमारे संगठन में नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम वो करेंगे जिससे हमारा आंदोलन मजबूत हो और आंदोलन जीत की तरफ जावे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, सरकार की पहले दिन से यह मंशा रही है, सरकार की पहले दिन से यह कोशिश रही है कि इस आंदोलन को सबसे पहले पंजाब तक सीमित किया जावे, उसके बाद सिर्फ सिख भाईचारे तक सीमित किया जाए, और उसके बाद धीरे धीरे यह सरकार इसने खालिस्तानी आंदोलन बढ़ा के इसने बदनाम करना चाहे है, यह साझी सरकार की पहले दिन से चल रही है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना आपसे, अगर हम चाहते हैं कि आंदोलन जीता जाए, अगर हम चाहते हैं कि मोर्चा फतह हुआ, तो मेरी प्रार्थना है
हरियाणा में 7,356 गांव है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर 10 गांवों में एक गांव, मतलब कम से कम 735 गांव के टेंट, तंबू, शंभू, खमारी, दमवारी, फतेहाबाद इन मोर्चों पर लगने चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है, जो आंदोलन के लिए हरियाणा में बना वो आंदोलन भी अब हारे हैं, जो आंदोलन के लिए पंजाब में बना वो आंदोलन भी नहीं जीत पाए, लेकिन जो आंदोलन हरियाणा और पंजाब में मिलकर बना वो आंदोलन हम हर हाल में जीते हैं और सरकार के वोटे लिखवाए हैं। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, कोई भी मीडिया पे सट्टा दिखा रहा हो लेकिन ये आंदोलन तमिलनाडु में भी है, ये आंदोलन कर्नाटक में भी है, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी है, ये आंदोलन हर भारत के हर किसान के मन मन में, उसके दिल में है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत दिनों तक एक सवाल मन को परेशान कर रहा है, वो सवाल आपने भी परेशान कर रहा होगा। हमारे देश में बहुत संगठन है, हमारे देश में बहुत आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन आखिर सरकार इस 13 फरवरी वाले आंदोलन पे इतनी क्यों डर रही है? सरकार आखिरकार इस 13 फरवरी से जुड़े आंदोलनकारियों पे गोलियां क्यों चला रही है? आखिर सरकार 13 फरवरी से जुड़े आंदोलनकारियों के ऊपर ही झूठे पर्चे क्यों कर रही है? सिर्फ इन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है? सिर्फ इन्हीं के ऊपर जहरीली गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? यो सवाल आपके मन में भी होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, कोई भी आंदोलन जिसमें सिर्फ भीड़ होगी सरकार उस पर नहीं रहेगी, कोई भी आंदोलन जिसमें सिर्फ विचार होगा सरकार उस पर नहीं रहेगी, कोई आंदोलन जिसका नेतृत्व करने वाले बीच का रास्ता निकालने वाले नेता होंगे सरकार उस पर नहीं रहेगी। सरकार सिर्फ उस आंदोलन पर रहेगी जिसमें विचार होगा, जिसमें लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन होगा और जिसका नेतृत्व बीच का रास्ता निकालने वाला नहीं, जिसका नेतृत्व वो लोग कर रहे हो जो मजबूती से अपना स्टैंड कायम रखते हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सरकार ने बहुत कोशिशें करी, मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने यहां तक कोशिश करी कि सरकार ने अपनी तरफ से कुछ आदमी भेजे, वो आदमी आए मिलन के नाम पाए और बोले कि भाई साहब बताओ के एडजस्टमेंट करानी है, जो एडजस्टमेंट कहोगे वो एडजस्टमेंट करा देंगे, जुबान एक बार खोलो तो सही। हमने उनको एक बात कही कि आज तक अपनी तरह बात लेकर आगे हो, लेकिन एक बात समझ करते पूरी दुनिया के भीतर किसी को एक करेंसी नहीं बन रही जो इस दोनों मोर्चा के नेताओं ने खरीद के दिखा दे, किसी को एक करेंसी नहीं है जो इस आंदोलनकारी किसानों को खरीद दे। दूसरी बात, एक बार हमारे पास यह भी आई कि भाई आप हरियाणा के जो किसान नेता हो, हरियाणा के जो किसान संगठन हो, जो इस आंदोलन में शामिल हो, आप पाछे हट जाओ, आप दूर हट जाओ, आप कहोगे तो हरियाणा खातर कोई अलग तक घोषणा कर देंगे। हमने कहा कि यह बात अकेले हरियाणा के किसानों की नहीं है, यह बात पूरे देश के किसानों की है। और जिस पंजाब ने हमें आंदोलन लड़ना सिखाया, जिस पंजाब के किसानों ने आंदोलन को मजबूत किया, उन किसानों का साथ हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमने कितने नुकसान उठाना पड़ जाओ, चाहे हमने पैसे फांसी के फंदे पर लटकना पड़ो, लेकिन जो यह एकता बनी है पंजाब और हरियाणा के किसानों की, इस एकता को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों,
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आंदोलन में युक्त क्या हासिल गया। मैं अपने छोटी सी बात बता दू, 20 तारीख में, 20 फरवरी में ऑफ सीजन में भारत सरकार ने पूरे देश में किसानों का गन्ने का रेट जिसने एफआरपी बोले हैं वो 25 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने का आदेश कराया। बताओ गया कि नहीं गया, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ सारे के सारे। 20 फरवरी में 25 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का रेट पूरे देश में बढ़ाया। उसके बाद 22 तारीख ने हरियाणा की सरकार ने ऐलान किया कि हरियाणा में जितना भी सोसाइटियां का कर्ज है वो सारे का सारा जो कर्ज पे ब्याज है वो सारा ब्याज माफ किया जावे है, पेनल्टी माफ करी जावे है। इस सरकार ने 26 तारीख को जब अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई, वही सरकार ने आपके आंदोलन के दबाव में भारत समेत 47 देशों ने लेटर मूव किया कि जो अभी भारत में 10% फसलों की खरीद हो गए हैं, जो डब्ल्यूटीओ ने टेम्परेरी नियम बना रखा है उस नियम को परमानेंट किया जावे। यह बात भारत सरकार ने लिख के डब्ल्यूटीओ में देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी मेरे भाइयों? क्योंकि आपके आंदोलन का दबाव है, इसलिए यह चीज लिख के देनी पड़ी। साथियों, गोदी मीडिया बहुत सारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट सब के बंद कर दिए गए। मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूं, छोटी छोटी दो तीन बात और बताना चाह रहा हूं। 21 फरवरी को जब हमारे भाई शुभकरण सिंह को गोली मारी गई खनौरी बॉर्डर पे, यह चीज सारे ध्यान से सुनियो कि किस तरीके से देश के नेता के साथ व्यवहार किया गया। 21 तारीख ने 11 बजे हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का प्रोग्राम था। शंभू बॉर्डर पे हमारे नेताओं का संदेश आया कि भाई अभी नहीं बढ़ना, सरकार की तरफ से कोई बात आ रही है, जब तक हम संदेश ना देवा आपने आगे नहीं बढ़ना। बुजुर्गो, लाखों की संख्या में किसान शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे, हम मंच के ऊपर थे, कोई किसान आगे नहीं बढ़ रहा था। अचानक से 12:15 बजे प्रशासन की तरफ से एक साथ सैकड़ों जहरीली गैसों के कोड़े हमारी तरफ फेंके गए। जिस भाई शुभकर्ण सिंह को गोली मारी गई वो पुलिस के बैरिकेडों से 2 एकड़ दूर गेहूं के खेत में खड़ा था। पुलिस का काम वह है अपने बैरिकेडों की रक्षा करना, लेकिन इन्होंने 2 एकड़ दूर जाकर हमारे भाई शुभकर्ण सिंह के सिर में गोली मारी 2 एकड़ दूर जाकर। उस दिन कम से कम सैकड़ों भाई अकेले खनौरी बॉर्डर पर घायल हुए, 5-6 भाइयों के गोली लगी। जब भाई शुभकर्ण सिंह के गोली लगी, मैं और लखविंदर सिंह औलख जी हम बिल्कुल आगे खड़े थे, मेडिकल कैंप के दौरे खड़े थे। 3 भाई शुभकर्ण सिंह ने अपने कंधे पर लेकर आए हमारे सामने, उस मेडिकल कैंप वाली खाट पर उसको लेटाया, उसकी छाती दबाने की कोशिश करी, इस भाई ने सांसण लग गया, लेकिन उस भाई का कोई भी शरीर का कोई भी अंग नहीं हिला। हमारे हाथों में था वो भाई, एम्बुलेंस में गया और 20 मिनट बाद 6 भारत और संदेश आ गया कि भाई वो हमारा भाई हमारे पीछे में नहीं रहा। मेरे बुजुर्गों, जब यह कार्रवाई पुलिस ने शुरू करी उससे पहले पुलिस की तरफ से कुछ लोग सिविल ड्रेस में खड़े हो गए, नुस्खातों का हाथ मारे थे और के नारे दे रहे थे और जय श्री राम जय श्री राम जय माता दी ये नारे दे रहे थे। ये करके लोगों ने उकसाने की कोशिश कर रहे थे। अरे राम को मारा था, मारा किसान खेत में जावे जब भी कहे ले राम का नाम, कोई बात अटक जाए जब भी कहे चलो भाई राम भरोसे है। जब आदमी अंतिम यात्रा पर शमशान में जाओ जब भी तो मैं कोई राम नाम सत्ता है, लेकिन इन्होंने आज जय श्री राम के नाम पर दूसरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद 3 बजे
वो भारत है पुलिस वाले गुंडे सिविल ड्रेस में किसानों के मोर्चे के बीच में आए, 25 साल के प्रीतपाल सिंह को जो अपनी ट्रॉली में अपने ट्रैक्टर पर बैठा था उसको नीचे गिरा, कोरे में डाल के, मेरी माताओं बहनों कोरे में डाल के साया ने उसके लठ मारे, साया ने उसके सूए मारे और घसीट कर ले गए। वो तो धन्यवाद हो आदरणीय बलदेव सिरसा जी का कि वो रात के 12 बजे हाईकोर्ट का आदेश लेकर रोहतक गए और उस भाई ने वापस लाए, नहीं तो उस भाई ने भी मारने में कोई गोर कसम नहीं छोड़ी थी। आपके हिसार का, आपके नामनोम का भाई जगबीर बेरवाल माजरा से जो शांतिपूर्ण तरीके से आके खड़ा था, कम से कम इसके 50 छर्रे लगे, कम से कम 50 छर्रे इसकी आंख में छर्रे लगे, और जब आंख में खून पड़े था तो एक बार तो इस बात की चिंता इतनी होगी थी भाई एक भाई का और घटा बट्टा नुकसान हो गया, लेकिन उस परमात्मा का आशीर्वाद है ये भाई की आंख बच गई। वो गुरलाल सिंह जो पटियाला का हॉस्पिटल में एडमिट है, जो जहरी लीगेश के कारण है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, आज हॉस्पिटल में उसके हाथ और पैर बांध कर उसको एडमिट कर रखा है। इस तरह की जहरी लीगेश से इस्तेमाल करी गई जो 1993 से पूरी दुनिया में बैन है, एकदम से फेफड़े की हवा बंद करते थे, पेट वार के दो भाइयों के चोट लगी, मोट के एक भाई का गोली लगी, सैकड़ा भाइयों के कैथोर के भाइयों के चोट लगी, तीन जिले के भाइयों के चोट लगी, लेकिन सारे साथी मजबूती तक खड़े रहे। मेरे भाइयों जो जो भी इन्होंने हमारे ऊपर किया है, हमारी और आप सब की जिम्मेदारी बने है कि इस जुलम की इम्तिहाने भारत के कोने कोने तक लेकर जावे। वही जब ये भाजपा आए वोट मांगने आपके गांव में आओगे तो शांतिपूर्ण तरीके से उस भाई शुभकर सिंह की फोटो लेकर इनकी सभा के भीतर चाहिए, और जब वो बात पूरी कर ले तो एक हाथ में भाई शुभकर की फोटो और उनका सवाल पूछियो कि इस 22 साल के नौजवान का कसूर क्या था। यह तो प्रधानमंत्री जी ने उनके खुद के वादे याद दिलाने जा रहा था, क्यों इस भाई ने गोली मारी, क्यों आपने एमएसपी का कानून नहीं बनाया, क्यों आपने किसानों की कर्ज माफी नहीं करी, ये सवाल आपने बीजेपी वाले से पूछने हैं जब ये आपके गांव में आओगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दो पूछोगे कि नहीं पूछोगे। देखो कदे भावनाओं में बैठ जाओ, भावनाओं में मत पड़ियो, सवाल पूछने हैं और सवाल का जवाब नहीं देवे ना, सवाल का जवाब नहीं देवे तो गोज में काली झंडी होनी चाहिए, वह काली झंडी भी दिखानी है लेकिन दिखानी है शांतिपूर्वक तरीके। जो भाई ने एक बात कही, भाजपा या भाजपा की कोई भी सहयोगी पार्टी जो इनकी केला पार्टी है, चाहे दुष्यंत की आ जाए और किसी की आ जाए, सबकी केला सवाल जवाब करने हैं। मेरे भाइयों एक पत्रकार ने पूछा देखे आप आंदोलन भाजपा ने नुकसान पहुंचाने खातर कर रहे हो, हम एक बात कहे हैं कि ना तो किसी पार्टी का फायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे, ना किसी पार्टी का नुकसान पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे, लेकिन जो पार्टी हमारे किसानों के ऊपर गोली चलाओगी, किसान उसी भाषा में चुनाव के दौरान उस पार्टी को जवाब देगा, और जो इनका मूल है ना, मूल में प्याज जोड़ के बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को जवाब दे रहेंगे। साथियों अगर मैं एक बात कहना चाहूं, इस आंदोलन में सैकड़ों इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। दो दिन पहले खक्कड़ टोल से हमारे भाई अनीश खक्कड़ को भी गिरफ्तार कर लिया और 13 फरवरी के एक झूठे मुकदमे में उसको जेल भेज दिया। हमारे खुद के ऊपर इन्होंने 307 के 3 मुकदमे कर दिए, आम सख्त का मुकदमा कर दिया। हम एक बात कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से, अगर हमें मार के तो हमें शांति मिल जाएगी, अगर हमें जेल में डाल के तो हमें शांति मिल जाएगी, अगर हमें फांसी के फंदे पकड़ा के तो हमें शांति मिल जाएगी,
वो आ जाओ यारे खड़े हैं माजरा पे ऊपर आ जाओ तुमने गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार कर लो तुमने फांसी के फंदे पकड़ा दे फांसी के फंदे पकड़ा दो। लेकिन नौजवान भाइयों ने तुम बेवजह क्यों झूठे होते फंसा के दुखी करने लग गए हो क्यों इनके परिवार ने दुखी करने लग गए हो आ जाओ हम यहाँ खड़े हैं जयपुरे जीता होगा उतरे अपने तक यहाँ खड़े रहोगे आओ तुम करो गिरफ्तार जो तुमने गोली मारनी तुम गोली मारो जो सारा भाईचारा बैठे आए हैं आओ तुम सारे भाईचारे ने करो गिरफ्तार। मेरे बुजुर्गो नौजवान साथियों जो तमाम जिलों में ये अस्थि कलश यात्रा चली है उस यात्रा के दौरान जो जो राशि इकट्ठी हुई जो जो शिवकरण सिंह की तस्वीर के सामने हर गांव से हर किसान ने हर माता बहन ने जो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए रखे वो अलग अलग जिलों की राशि हमने सारी इकट्ठी करी है और इस कार्यक्रम के अंत में वो राशि पूरे हरियाणा से जो इकट्ठी हुई है वो राशि हम अपने पंजाब के किसान लीडरों को सौंपेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि भाई शिवकरण सिंह के गांव बल्लों में जो उनका शहीद स्मारक बनाया जाओगा जिसके लिए वहां पे गुरु घर ने जमीन भी दी है हरियाणा के किसानों के इस छोटे से योगदान को उस शहीद स्मारक को बनाने में इस्तेमाल किया जाए ऐसी हमारी पंजाब के किसानों से प्रार्थना है। और मैं अंत में फिर 2-3 नारे लगाऊंगा समय बहुत ज्यादा ले लिया उसके बाद हमारे अगले वक्ता बात रखेंगे। मेरी प्रार्थना है जितने साथी बैठे हैं सारे हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके नारे लगाओगे। एक साथी की आवाज आई थी पानीपत के 28 किसान भी गिरफ्तार करेंगे पिछले महीने का अम्बाला के किसान भी गिरफ्तार करेंगे सोनीपत के किसान भी गिरफ्तार करेंगे। मेरी प्रार्थना है आपसे एक और मैं छोटी प्रार्थना करूं नारे लगवाने से पहले जो हमारे कोटता जब तक बोलेंगे अगले 1.5 घंटे में प्रोग्राम का सारा समापन हो जाएगा कोई भी साथी उठ के नहीं जाओगा सारे साथी ध्यान कर सुनेंगे। ईमानदारी से बताइयो इस बात से मैं टोक रही हूँ सारे ध्यान कर सुनोगे नहीं सुनोगे हाथ खड़े करके बताओ सारे एक बार 2-3 नारे लगा लो शहीद शिवकरण अमर रहे, अमर रहे।